सीतापुर जिले में करीब 80 एम्बुलेंस ऐसी हैं जो कबाड़ बन चुकी हैं। कोरोना काल में भी कबाड़ में खड़ी रही 102 और 108 की एम्बुलेंस। करीब 3 साल से कबाड़ में खड़ी हुई है एम्बुलेंस। मरीजों को ले जाने आने में दिक्कत होती है, ड्राइवर का कहना है। सीएमओ भी इस बारे में कोई जवाब नहीं दे रही है, वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ पर कितने समय से एम्बुलेंस 108 और 102 खराब पड़ी हुई है? ये 2020 के शुरुआत से ही लमसम है, मतलब न्यू वाली गाड़ी आ गई थी तब से खराब खड़ी कर दी ये पुरानी गाड़ियाँ, और अब जो है नई आ गई जब से यहाँ 2019 के वो 20 के शुरुआत से तब से ये खड़ी। ऐसे कितनी गाड़ियाँ होंगी लमसम में? जिले भर में 70-80 गाड़ी तो होंगी। 70-80 गाड़ी खड़ी है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा? नहीं नहीं, सब ऐसे ही खड़ी है, सब ऐसे खड़ी है। वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है, उसको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जो पैंडेमिक पीरियड है, पैंडेमिक पीरियड में एम्बुलेंस की बहुत ही इम्पोर्टेंस थी, और जिस तरह से कोरोना काल में तमाम ऐसी शिकायतें भी आई थी कि लोगों ने 108 पे फ़ोन किया और कॉल सेंटर पे फ़ोन होने के बाद एम्बुलेंस पहुँचने में देरी हुई। चूँकि एम्बुलेंस पे कहीं ना कहीं ये जानकारी भी प्रकाश में आई कि कुछ एम्बुलेंस उस समय ठीक नहीं थी, जबकि गवर्नमेंट ने एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया था। तमाम एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उस समय पर्याप्त नहीं होने की भी तमाम शिकायतें आईं। तो मुझे लगता है कि इस पैंडामिक पीरियड में प्रशासन को निश्चित रूप से इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी एम्बुलेंस खराब ना रहे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 70 एम्बुलेंस खराब पड़ी है, तो ये सीतापुर के स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको तुरंत दुरुस्त कराएं, क्योंकि आने वाली तीसरी लहर की भी संभावना है, और उस समय तो तमाम तरह के बच्चों को भी क्रिटिकल कंडीशन में आवश्यकता पड़ सकती है संभावित रूप से। तो अगर कोई खराब एम्बुलेंस है तो ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है उनके परिचालन की, सही तरीके से उनको रखने की, और इस तरह की शिकायतें जो है ग्रॉस नेग्लिजेंस के रूप में स्वास्थ्य विभाग इसको ले। अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि अभी तीसरी लहर आना बाकी है जो बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक है। ऐसी स्थिति में जो एम्बुलेंस कबाड़ में खड़ी है इनको ठीक होना बेहद इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद समीर के साथ राहुल अरोड़ा, ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज़।